सेब, दो दर्जन केला, एक मोमबत्ती या अगरबत्ती या देसी घी का चिराग जलाने से क्या गुरु की वंदना हो जाएगी? क्या फल का भोग लगाने से गुरु की वंदना हो जाएगी? जब आप कहते हैं कि गुरु हमारे रोम रोम में बसा है, रोम क्या है? अगर गुरु रोम रोम में बसा है तो फिर वंदना कहां करोगे? अगर आपकी बात सही है कि गुरु रोम रोम में बसा है तो फिर गुरु रोम रोम में मिलेगा। आप गुरु को रोम में तो ढूंढ नहीं रहे हो, आपने गुरु की बना दी चित्र, एक चित्र बनाई। और मैं संसार भर के चित्रकारों से कहता हूं, गुरु की चित्र नहीं बना सकता। गुरु शरीर की बना सकता पर गुरु की चित्र कोई नहीं बना सकता। आपने जिस शरीर में गुरु को देखा है मात्र उस शरीर की चित्र बन सकती है, गुरु की नहीं बना सकता। क्योंकि गुरु जो है वो रूप नहीं है, गुरु रूप नहीं है। क्योंकि रूप तो नाशवान होता है, रूप तो एक दिन नष्ट हो जाता है, रूप तो बीमार होता है, रूप में तो रोग होते हैं, गुरु में तो रोग नहीं होता, गुरु तो बीमार नहीं होता। तो आप जो चित्र बनाते हो, जिस चित्र को मान के वंदना करते हो, वंदना गुरु के चित्र की है, गुरु की वंदना है। पहले तो ये जान, क्योंकि चित्र भी आपकी संतुष्टि के लिए, चित्र आपकी संतुष्टि के लिए है। क्योंकि चित्र के सामने वंदना करना सरल है, ये बहुत सरल सी चीज है। एक चित्र लाना बाजार से, मैंने बताया दिया, बाकी फल आप लेके आए, ये चिराग जला के। गुरुओं ने मन का चिराग जलाया है, आप तो तेलों के चिराग जला रहे हैं। गुरु ने किसका चिराग जलाया? मन का चिराग जलाया है। और आप चिराग जलाने में पड़े हो तेल का, मोम का। और ये चिराग गुरु का चिराग नहीं है, ये चिराग तो पहाड़ के अंधकार को दूर करने का, मन को अंधकार को दूर करने का नहीं। ये बाहर जो अंधेरा होता है, जो बाहर जो इस वातावरण में अंधेरा छाया हुआ है, ये चिराग उसे दूर कर सकता है, मन के अंधकार को तो नहीं कर सकता।